हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने मंगाया एक पेन ड्राइव जो कि 128 GB का, और हमने ये पेन ड्राइव जो है मीशो से मंगाया है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि पेन ड्राइव कैसा है। तो ये जो पेन ड्राइव है ये 128 GB का है, और ये मुझे मिला है सिर्फ 228 रुपये में, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील थी। तो मैंने मीशो से ये ऑर्डर कर लिया था, कई दिन हो चुके हैं इसको आए, हो सकता है इसका रिटर्न पीरियड भी खत्म हो चुका होगा। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये पेन ड्राइव है, और 128 GB का HP का ये पेन ड्राइव है। फ़ोटो में HP का शो कर रहा था, बाकी जो है नाम जो शो कर रहा था पेन ड्राइव का, वो HP शो नहीं कर रहा था। वहाँ पे जेनरिक कुछ भी नाम शो कर रहा था, बाकी मॉडल नंबर लिखा हुआ था वो HP का लिखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर HP का ये पेन ड्राइव है या नहीं है। तो दोस्तों, मीशो से ऑर्डर किया है मैंने ये पेन ड्राइव, तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है, और ऐसे ही पता लग रहा है कि मतलब ज़रा सा बबल रैपिंग इस पर कर दिया होगा, और कुछ खास पैकिंग नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसके अंदर पता नहीं OTG कुछ फ्री था कि क्या था, मुझे याद नहीं है। बट ये पेन ड्राइव जो है 128 GB का, यहाँ पे देख सकते हो HP लिखा हुआ है, HP 2.0 3.0 फ्लैश ड्राइव B220W। उसके बाद आप ये देख सकते हो 128 GB लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है। बैक साइड में आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसके वारंटी के बारे में लिखा हुआ है, 2 ईयर वारंटी लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अक्टूबर 2023, नेट क्वांटिटी 1, और यहाँ पे देखो MRP लिखी है 2550 रुपये। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, और कस्टमर सपोर्ट एड्रेस यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ इसको। तो कुछ इस तरह का है, जैसा प्रोडक्ट शो किया हुआ है वैसा तो वो नहीं है, जैसा फ़ोटो में शो किया हुआ है मीशो पे वैसा ये नहीं है। पर चलिए देखते हैं, वर्क करेगा तो ठीक है, तो उससे मुझे दिक्कत नहीं है, बस ये काम करे तो ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है B220। तो मेरे पास आप ये देख सकते हो ये एक OTG है, तो इसमें मैं इसको लगा लेता हूँ। तो इसको लगा के और चालू करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी मैंने इसको लगा दिया है, और यहाँ पर मुझे शो कर जाएगा अगर ये चलेगा तो। तो लिखा हुआ है बेंडर COUSB ड्राइव, एक्सप्लोर का ऑप्शन है, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ फाइलें यहाँ पे शो कर रही है। तो चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ इसको कितने GB का ये पेन ड्राइव है, यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये देखो 126 GB यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल अवेलेबल 126 GB पूरा का पूरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो पेन ड्राइव वर्क कर रहा है, तो काम करना चाहिए था बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वीडियो जो है मैं इसको मूव करके देखता हूँ, तो ये 4 GB की वीडियो है, तो मैं इसके अंदर मूव करके देखता हूँ कि कितनी फास्ट ये हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये मूव हो रहा है। तो दोस्तों, ये बुरा तो नहीं है, अच्छा है पेन ड्राइव। अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।